स्वीडन में कुरान के अपमान का मामला इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। स्वीडन में मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने से मुस्लिम देश बेहद आक्रोश में है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, इराक समेत कई मुस्लिम देशों ने कुरान जलाए जाने की घटना की कड़ी निंदा की है। स्वीडन में इराक के नागरिक सलवान मोविका पर कथित तौर पर कुरान में आग लगाने का आरोप है। अब कुरान जलाने वाले इसी शख्स ने एक बार फिर उकसावे वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर मुस्लिम देश भड़क सकते हैं। स्वीडन में कुरान जलाए जाने की इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कुरान जलाने वाले इसी शख्स ने दोबारा कुरान के अपमान की बात कही है। उसका कहना है कि कुरान जलाकर उसने किसी धर्म के प्रति नफरत को बढ़ावा नहीं दिया है। उपद्रवी शख्स का कहना है कि वो 10 दिनों के अंदर दोबारा कुरान जलाएगा। कुरान जलाने वाले सलमान मोविका का कहना है कि वो जानता था कुरान जलाने पर इस्लामिक दुनिया भड़केगी। उसका कहना है कि कुरान जलाए जाने के बाद से उसे जान से मारने की हजारों धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से कुरान जलाने की योजना बना रहा है। उसने भड़काऊ बयान में कहा है कि 10 दिनों के अंदर मैं स्टॉकहोम में इराक के दूतावास के सामने इराक का झंडा और कुरान जलाऊंगा। गौरतलब है कि 37 साल के सलवान मोमिका ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर कुरान की एक प्रति फाड़कर उसमें आग लगा दी थी। हालांकि स्वीडन की पुलिस का कहना है कि मोमिका को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत दी गई थी। बकरीद के दिन स्वीडन में कुरान के अपमान की इस घटना से पूरी दुनिया के मुस्लिम देश आक्रोश में है। मुस्लिम देशों का कहना है कि कुरान के अपमान की घटना ऐसे समय में की गई जब इस्लाम का पवित्र महीना चल रहा है और मुसलमान हज यात्रा कर रहे हैं। हालांकि स्वीडन ने इसे इस्लामोफोबिया बताया है और इस घटना की निंदा की है, लेकिन फिलहाल स्वीडन पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।